ସକାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିଫିନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ତମ ଇଡ଼ଲି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଠି ଇଡ଼ଲି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଇଡ଼ଲି ଖାଇଲେ ବି ଫୁକାଟା ମିଳିବ ଏଠି ବହୁତ ପଇସା ଥିବ ଏଇଟା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଜେତଣ ତରକାରୀ हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ आज तो हम जा रहे हैं BBAU। चिकन तो सब बना लिया है रूम में, कुछ ओडिशा का पेड स्टूडेंट आ रहे हैं, मिलके खाएंगे बीसी ग्राउंड में आज। अभी तो ग्राउंड पहुंच गया। अभी कहाँ पे है प्रदन? प्रदन तो आ रहे हैं, अभी लास्ट में चला जाएंगे ना, लास्ट में। फिर यहाँ पे तो नहीं है जगह, जगह है बट अभी तो 2 बज चुके हैं टाइम, तो लास्ट ही जाएंगे पेड़ के नीचे। चलो साइकिल चला जाएगा ना अंदर, साइकिल मतलब दे दिया। यहाँ पे 2 कैरेज है, फिर वाटर बॉटल का है। कैसे कर ले 5000? हाँ जरा जरा तुम कितने चलो भल तो से बोलते मन लोक मैंने देखिए बोलते ये करते कि प्राइसा ये पकड़ भाई, ये बहुत ज़्यादा वेट है। बाप रे ज़्यादा वेट, 2 केले से 1 बाटा बटल हो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक्सरसाइज करने पड़ी, जिम जाने पड़ी। उतरे यहाँ पे भाई एक जगह मिला, बहुत बढ़िया जगह बैठने के लिए। मैंने चाय भी उसी पेड़ भी है, इसलिए यहाँ पे आ गया है। थोड़ा ज़्यादा मेम्बर्स आ रहे हैं, मतलब कितने जन आसुंदी भाई, कितने जन आसुंदी। यहाँ पे पेड़ है तो साइकिल भी यहाँ पे साइड में रख लिया। कितने मेम्बर्स आएगा यहाँ पे खाने के लिए? अभी लगभग 8 मेंबर्स हो जाएगा ना ये? हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी साइड में भी, साइड में नहीं होगा, साइड में बैठने के लिए। हाँ बैठने के लिए यहाँ पे हो जाएगा यार। हाँ अवेलेबल, हाँ अवेलेबल है, पास में भी है ना। देखो 3 दिन के लिए हो गया, 3 दिन के लिए। अरे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा उधर भी जम करो यार। सब लोग जेनिंग सब लोग बेस्ट हो जी। हाँ कौन सा डिपार्टमेंट? जो फिजिक्स डिपार्टमेंट। फिजिक्स डिपार्टमेंट सेटा अमर पुरोना एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थिला ना, आर्किटेक्चर देखे कंटे साइड में बनाते हैं एकड़ को सीधा हां मुझे सीधा हो चले। अच्छा कौन सा हॉस्टल है एड़ा? एड़ा बिरयानी गोदन देड़ी ना। एड़ा कौन को लेड़ा? नेहरी तेहरी 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 एड़ा तेहरी 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 ना तेहरी। हां बट हम बॉयज हॉस्टल बिरयानी डा वेज बिरयानी। अरे वेज बिरयानी हां याको तो बिरयानी वो टेस्ट बढ़िया है। चिकन मुनी जे रोटी कोसे मुनी जे कहले ना हम मुख है एम टेस्ट करतो से कहला ना ये तो बढ़िया है चिकन टेस्ट। हम अच्छा ठीक है, हां ठीक है, मु तो सीधा कह दूं जदी फूल रहे था आलूटा एरा हो पनी एटीएम खाया पे आस बे बट जीवा सब कुछ रस जीवा पड़े बे हमने फर्स्ट टास्क ली थी बट बाकी अब पत्र की आस तक को ऑर्डर नहीं हम ऑर्डर चेन हम कौन सब पड़ेगा सब जगह उठी उठी तो पड़े ले मैं भी जाऊँ। ये ला आज का खाना पूरी, ये खाना आज का, ये आज का खाना पूरी, ये ओडिशा पूरी स्पेशल शिवरात्रि का पूरी। ये जो ग्रेवी होना चाहिए ना तो पानी पाई ग्रेवी सही नहीं ठीक हो चलो ना तो पूरी अच्छी।
आज हम खाने के लिए गया था, पहली बार मैं खाने के लिए गया था, बट हमको अंदर बैठे था हम चार लोग, फिर एक रेस्टोरेंट में तो कोई नहीं था, तो हम ही था, तो हमको पूछा नहीं भाई क्या खाएंगे क्या नहीं, ऐसे कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो निकल गया। निकल गया टाइम में पूछ रहे भाई क्या क्या खाएंगे, बाहर आ गए। फिर अगले साइड वाले दुकान गए, बगल वाला दुकान था रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे गया था, वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, फिर वेटिंग किया भाई भैया अंकल था एक पूछे तो वेट करने आ रहा हूँ ऐसे बोला, हम वेट किया फिर कुछ नहीं रेस्पॉन्ड नहीं किया, चले गया। फिर आके रूम आके अभी से बनाया सब पनीर का, पनीर ग्रीन मटर पूरी सब, पनीर ग्रीन मटर आप क्या खाना ये खाना पनीर ग्रीन मटर, ये सब घर का फीलिंग आ रहा है ना, फील आ रहा है घर का ना कार्तिक। पूरी नहीं मिल रहा है अभी बने के खा रहे हैं, तो सीट्स पे लग रहे हैं भाई घर के खाना, पर घर के खाना भी उड़ीसा का खाना इस टाइप का लग रहा है। मैं आज कोचिंग सेंटर कल तो नहीं जाया, टाइम नहीं हुआ मेरा, थोड़ा लेट हो गया ओपनिंग के लिए, तो आज क्लास आया 11:30 में कोचिंग सेंटर में, बलेटन क्रॉसिंग जाना था मुझे आज, तो मैंने ओला में बुक किया जो राइडर, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ आज, जैसे स्कैम टाइप हो गया मेरे साथ, क्योंकि 157 रुपीज़ ले लिया हिस्ट्री देखूँगा, मुझे ड्रॉप किया वहाँ पे, यहाँ पर मतलब ड्रॉप किया मुझे कोचिंग सेंटर के पास, वहाँ पे शॉक किया था उनका मोबाइल में, शॉक किया था 157 रुपीज़, मेरा मोबाइल में 100 शॉक किया था, तो ये जो राइटर बैग राइटर बोला तो यू हैव टू पे 157 रुपीज़, तो मैंने टाइम नहीं था तो मैं तो पे कर चला गया, मैंने इतना नहीं देखा यहाँ पे मोबाइल में, मेरा मोबाइल में तो उनका मोबाइल में 157 था, मैं पे कर चला गया, तो ये मेरा गलत हो गया। फिर यहाँ पे मैंने ओटीपी देने टाइम में मुझे मैंने तो बोला भाई मैंने ओला में लोकेशन डाल दिया एक्यूरेट, मतलब मैंने एक्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन मैंने डाल दिया ओला में, फिर वही क्या क्या नहीं वो जो मैप मैंने डाला था वो वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा ऐसे बोला मुझे, ठीक है भाई मैं ऐसे तो अलग रोड में नहीं ले जाएंगे, शॉर्ट हाथ वे में, तो ये भाई किया मुझे बुला बुला कर जो हाईवे ऊपर ऐसे लुलू मार्केट उस तरह से लेके ऐसे लेके चला गया घूम के चले, तो अकॉर्डिंग टू किलोमीटर हिसाब से मुझे थोड़ा 100 रुपये वो हो गया। फिर क्या करेंगे तो मैप फॉलो नहीं किया मैंने, तो बोला भाई यहाँ पे चले जाएंगे, नहीं ट्रैफिक जाम होगा ये होगा ऐसे होगा ऐसे, तो मैंने तो पैसे फंस गया ऐसे मैंने आज। अभी तो जाएंगे तो गूगल मैप में कहाँ शो कर रहा है फॉलो करके जाऊँगा भाई ओला में, तो ऐसे नहीं अलग अलग रूट जाएगी तो किलोमीटर हिसाब से वैसा लग जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।